चशमा, यानी स्वयं के बारे में हम बता रहा है कि स्वयं का जो चशमान है इसमें ये देखना है कि यानी अपने बारे में ये समझा चुके थे कि लेखक बताते हैं कि ये जीवन क्या है, सूखे घास के समान। जीवन है कैसा? सूखे घास के समान। जब समझ का मौसम आता है, जैसे लू तो चला नहीं है ना, तो इस बार लू जब नहीं चला तो ये देखने में स्पष्ट हो रहा है कि जब आती है, अभी देखिए कि बरसात हो गया तो बरसात होगा तो पानी मिलेगा, तो पानी मिलेगा तो घास हरे भरे हैं, लेकिन जब वही बताइए पानी नहीं मिलता तो घास या जो फसल होता है उसको काट कर उसको खेतों में चले घर में क्या करता है, कुट्टी करता है ना। तो जब वो कुट्टी करता है तो बताइए दर्द देता है कि बताइए आराम देता है, दर्द देता है। तो उसी तरह से बताइए कि जब जीवन यानी जब गुजर जाता है, जब उम्र ढल जाती है तो क्या हो जाता है, सूखा हुआ घास के समान हो जाता है, यानी कटता सा लगने लगता है, एक दूसरे से बात करना अच्छा नहीं लगता। कोई आदमी बताइए बीमार है उसे वो किससे बात करना चाहेगा, अस्वस्थ रहने में बताइए अच्छा नहीं लगता है, खाना भी तब खिलाती है जब स्वस्थ होते हैं। तो ये देखा जाए तो जीवन सूखी घास के समान है। और अभी तुरंत बताइए सुशांत सिंह के साथ जो हुआ, जो स्वयं का सुसाइड किया, तो बता दिया कि बताइए जिंदगी क्या है नहीं। बिहार का बताइए नाम कमाने वाला कभी उम्र में बताइए ऐसा रास्ता अपना है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं का जो सुगान करूँ यानी अपने आप के बारे में बताऊँ, तो अपने आप के बारे में बताना है तो यही चैप्टर का नाम यानी लिखने वाले हैं जिनका नाम है बार्ट विटमैन। कौन है? बार्ट विटमैन। सब लोग को बताया थे बार्ट विटमैन है, और बार्ट विटमैन के माध्यम से ही यानी आप लोग की जानकारी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अंदर आओ, मास्क लगी है, हाँ मास्क लगा करो। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और इसका लेखक हो गए बार्ट विटमैन। प्रणामों करना कि ना भगवान बना दो दूरे से प्रणाम करता है, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ और इधर से बैठो बेबी, और इधर से बैठो तो दूरी बना लो, देखा दोनों एक ही बेंच में बैठो लेकिन दूर दूर है, मास्क लगाओ। लगा लो तो देखिए, तो एक कहने का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहे हैं चैप्टर नंबर दो सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, लेखक है बार्ट विटमैन, चैप्टर खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, और इसका हुआ स्वयं का जज्बा यानी अपने आप के बारे में बताना है, यानी हर कोई अपने आप के बारे में बताते हैं, महात्मा गांधी बताए थे, इतने जितने भी दार्शनिक लोग थे सब अपने आप के बारे में बताए थे, और खास करके एपीजे अब्दुल कलाम जो फिलहाल नहीं बताए उनको बताए ध्यान हुआ, तो उन्होंने भी बताया कि बताइए अपने आवाज को यानी बुलंद करने से अच्छा है से आवाज जो बुलंद कर रहे हैं उससे अच्छा है कि अपना समझदारी को बुलंद कीजिए, और कोई चीज यानी स्थिति को देख करके आपको यानी निर्णय लेने से अच्छा है कि आप उसे सिद्धांत कर यानी निर्णय जो लेते हैं कोई चीज में उससे अच्छा है कि आप सिद्धांत बदल के देखें। एक बात बताने वाले को उसी तरह से यानी स्वयं के जसुबान में बताया कि ये जिंदगी सूखी घास के समान है, इसका लेखक बार्ट विटमैन है, और इसमें हमने बता रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या बता रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहे थे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहे थे, तो ये देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताने के बाद आप लोगों को बनाने के लिए देंगे, देखिए कितने अच्छे ढंग से बनेगा, वही बता रहे थे बाबू, देखिए कॉपी में होगा, मिला नहीं मिला ये तो बता रहे थे वही ना बाबू, रिफ्लेक्स बताना है, रिफ्लेक्स बताना ना, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स इसमें बताइए डिक्शनरी यूज हो गया था इसका, ये सुनता स्पेलिंग हो गया था इसका, जहाँ से छूटा तो वहीं से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन दिया उसको आगे पढ़ाएंगे, नहीं एंटोनिम्स हो गया था
एंटोनिम्स इसका परफेक्ट का यस इंपरफेक्ट हो गया ना अच्छा अच्छा आइसिंग का उसके ऊपर आओ दो मीनिंग वाला हो गया तो मीनिंग नहीं सर वो नंबर हो गया है ये देखिए राइट को मीनिंग बता रहे हैं कॉपी होगा तो ठीक है ना होगा तो फिर राइट टू मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स राइट टू मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इसमें एस्यूम ऑब्जर्व फॉर सीज स्कूल हर्बर हिंदी नहीं चाहिए लेकिन इस तरह प्राप्त करना और मतलब फिर मतलब पीछे बैठे दूरी पे एक बेंच पर दो के साथ बैठे हाँ भैया हाँ तो कितना लिखना है दो एक का दो दो लिखना है यानी सिनोनिम सब लोग जानते होंगे छोटा वस्ता सिनोनिम पर्यायवाची तो उसी तरह से पर्यायवाची है लेकिन एग्जाम में आ गए होंगे पर्यायवाची की एग्जाम में नहीं आया आया था विवेक नहीं आया था फिर से देख आई है कैसा रहा था इंग्लिश का पेपर अच्छा रहा था पढ़ा हुआ से मिला था यस सर तो आप बताइए जो एग्जाम दिए अच्छा नंबर से पास भी की खुशी भी है क्लास के लिए और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी अच्छा करेंगे क्योंकि लगातार अच्छे से चले संभाल लेंगे ऐसा ये वो को लिखने के लिए हम पीछे सभी बताए थे लेकिन एग्जाम नहीं आया था और ऐसा ना आने के लिए हम पहले असत होना असत होना यानी जानकार होना है ना तो जानकार होते इसको कितना लिखना है दो अस्त नहीं लिखना है तो बताइए आप सब लोग बताइए क्या होगा जानकार होना का है ना जानकारी होना यानी मालूम होना ज्ञात होना तो यानी इसको लिखते हैं क्या इन्फॉर्म यानी या टू शो यहाँ पर है प्राप्त करना मतलब ऑब्जर्व करना मतलब तू पहले क्या लिखता है सुनिंग आता है ना
तो क्या लिख या एच ए यहाँ क्या फॉर मतलब रू पहले देख लीजिए कहता है कि बहुत फॉर में दिख रहा है होता है ना किसी को आजकल बहुत फॉर में है तो ही होता है फॉर मतलब रूप तो रूप होता है तो यहाँ पर बताइए बता सकेंगे इमेज या कंडीशन यहाँ पर ऐसी चीज मतलब पूर्ण होना कोई भी काम बाबू मुड़ी उठाइए यानी इतना करने पर बताइए इस पर से कृपा करके बुलाए और मुड़िए गाड़ दे रहा नीचे फिर है पकड़ा जाइएगा मुड़ी गाड़िएगा समझ ना हाँ फिर मैंने ना पता चलता था कि हाथ किधर रख लिया अब पकड़ा जाए वो आदत भुला जा पाने वाला ना वाला कौन ही वाला ये देखा पहले सवाल सीज है और इस सीज सीज मतलब पूर्ण होना तो पूर्ण होना यानी अस्थाई होना तो स्टॉप इंग्लिश ना हवा तो यहाँ पर होगा टू स्टॉप या कंप्लीट या इन स्टॉप से अच्छा है कि इंड लिख दीजिए का जल्दी में हो जाएगा स्कूल में विचार करना अब तो इसके बारे में बोलिए विचार करना आइडिया या आइडिया नेटवर्क वाला और बोलिए धार्मिक बोलिए आइडिया हो गया और यहाँ पर एक और लिखना है क्योंकि यहाँ पर राइट टू मीनिंग ऊपर में लिखा है राइट टू मीनिंग यानी एक का कितना लिखना है दो लिखना है तो एक आइडिया हो गया और दूसरा बताइए स्कूल एक स्कूल मतलब महाविद्यालय होता है हाथ होता है वो बैग ना लेकर आना था जो बेसिन में बेसिन हाथ हो बाहर ना बेसिन अंदर हो मास्क लगाओ ये बैग इतना बड़ा कुछ लिखवा बोलो आइडिया एक बार मास्क लगाओ के बैठो हाथ को 10 से 15 सेकंड तक धोना है दूर बैठो आई कार्ड बैग में रख लो आई कार्ड नहीं लगाना सब उल्टे चल रहा है कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में जानते हैं क्या क्या दिक्कत है ना तो कोरोना से पहले ना हम सामाजिक पर्सन है वो आप कुछ है दूरी बना के रहते ना सेरेमनी हो गया हर बार में सावधानी और बोलिए क्या होगा बोले एक टाइम तो दो लिखना है बोलिए एक का दो लिखना है और पढ़ना भी है और एग्जाम में आएगा भी नहीं अब तो सब विदाउट में दिया है विदाउट नहीं दिया है यानी इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए दिया है लेकिन एग्जाम लेता है इंग्लिश बाकी सभी बच्चों को पास करना सभी बच्चों को पास इसलिए इंग्लिश देता है दिक्कत क्यों होती है ये ध्यान देने वाली बात है नहीं तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हरवर है और हरवर वाली सावधानी तो सावधानी के लिए आप लोग जानते हैं कि सावधानी के लिए क्या आपका प्रिकॉशन जरूरी है और बोलिए केयर होता है ना तो एक का कितना लिखना है चलिए जल्दी आपको कॉपी बता रहे चलिए कितना लिखना है एक का दो को लिखना और इस बार ज्यादा बल नहीं अभी देना है बल लेकिन अक्टूबर महीना से सिनोनिम छोड़ देना है क्यों क्योंकि इस एग्जाम में नहीं आता तो उस पर टाइम देने से क्या फायदा तो अभी पिछले बता रहे हैं अभी बताने का कारण वर्ड फॉर्मेशन है सबके पास घर में बुक होगा जा करके बुक से मिलाएगा हो गया है वर्ड मीनिंग हो गया है एंटोनिम्स उल्टा उल्टा इन है ग्रामर में क्या
और इस ग्रामर में पढ़ना है, पूरा ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा जो पढ़ा रहे हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ऐसा कीजिए ना आपको, सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इन द गिवन लाइन माई सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड निज वाचक सर्वनाम। पढ़े होंगे कौन वाचक? निज वाचक सर्वनाम। इट यूज ट्वाइस, इट यूज इन बोथ द क्लॉज इज डिफरेंट, इन द फर्स्ट क्लॉज इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट इन द सेकेंड इट इज ऑब्जेक्ट टू रिवर सिंग सप्लाई रिलेटेड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द फ्लोइंग लिस्ट। यानी ये कहने का मतलब है कि यहाँ जो लिस्ट दिया हुआ है इंग्लिश में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनावे, जैसे यानी माई बनता है क्या चीज से? आई से। आई से क्या बनता है? माई। और यू से? यू से यू। योर। बी से? आस नहीं, आवर। समझते ना क्या होता है प्रोनाउन होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये देखना है ग्रामर में पूछता है कि प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में है आई वी यू दे सी ई इट, इतना है। इसको बनाना है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है। तो पहले बनाइए आई का क्या बनेगा? माय। बी का? आवर। यू का? एस मत बोले, वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप? सर्वनाम बना रहे हैं, यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, वही सर्वनाम है। आवर यू का? यो। दे का? देर ना। सी का? है। ही का? इट का? इट बेटे होता है ना इट। अब यहाँ पर देखिएगा सब में सेल्फ लगाना है, माई होता है ना कि माई सेल्फ हमेशा बोला जाता है, सेल्फ पर बताना होता है तो क्या होता है? माई सेल्फ। तो शुरू करते हैं माई सेल्फ, उसके बाद नाम बताते हैं माई सेल्फ नाम, उसके बाद जहाँ से आए वहाँ से एड्रेस, क्या कहते हो वो पूरा एड्रेस देते हैं, वो हो जाता है क्या चीज़ माई सेल्फ। जब सब में सेल्फ लगाएंगे तो यहाँ पर ये बताइए कि सेल्फ जो है ए सी एल एफ, तो ये सेल्फ जब सब में जुड़ेंगे तो जब ये सिंगलर होगा तो सेल्फ, और जब इसको प्लुरल बनाएंगे तो क्या होगा? सेल्फ। क्यों? क्योंकि एफ को नेम क्या है? जिस सिंगुलर नाम, जिस सिंगुलर नाम के अंत में एफ या एफी हो, मालूम है ना? यस सर। जिस सिंगुलर नाम के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ को फिर बदल कर क्या जोड़ते हैं? यस यस। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है कि प्लुरल? सिंगुलर है। आई क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिर्फ सेल्फ लगेगा, माई सेल्फ हो गया। बी क्या है? प्लुरल। दोनों में से चुनिए। यू सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर प्लुरल दोनों है, लेकिन सिर्फ यूज होता है तो यू टेक सिंगुलर एंड यू टेक प्लुरल, सिंगुलर प्लुरल दोनों है, तो इसके लिए क्या लगता है? सिर्फ याद रखना होता है यो सिर्फ। बताइए दे, दे मतलब बे लोग, प्लुरल है कि सिंगुलर? प्लुरल। कौन लगेगा? आगे आइए सी ए वाई के दो सिर्फ बन गया। ये हो गया सर्वनाम और हो गया नीच वाचक सर्वनाम, नीच मतलब स्वयं, इसलिए समझ में आता है बाबू आपको? समझ
जाना है बाबू, और बाकी तो सब पहले ही सही है चलता है ना। ठीक है ना, यहाँ तक की जानकारी हो गई ग्रामर के माध्यम से, और लगता है कि चैप्टर और है गाइस बाबू। हाँ है, चलिए बता दो मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। डू नॉट फॉरगेट द इरिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब, यानी आफ्टर 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 मतलब किसके बाद पूछ रहा है, भर्ब के बाद कौन सा प्रोनाउन यूज करने का बोल रहा है। इसके लिए हेल्प के लिए कहा है कि दिन हेल्प के लिए कुछ दे रहे हैं, हेल्प के लिए यहाँ पर दिया है एंजॉय, सर्व, एब्सेंट, हेल्प, कंट्रोल, इतना है ना। देखो इतना जो है सो क्या है, भर्ब है, क्या है भर्ब है, और इस पर सेंटेंस बनाना है, कंस्ट्रक्ट यानी रचना करना है सेंटेंस का। तो सेंटेंस का रचना करना है तो कंस्ट्रक्ट द मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। डू नॉट फॉरगेट टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ब्स। आप मान जाए इंजॉय मतलब क्या होता है, इंजॉय मींस मस्ती करना, तो इंजॉय का मतलब हो गया मस्ती करना, तो या आनंद उठाना। तो मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं कि हम लोग मस्ती करते हैं, तब भी इंजॉय, अब इसको हिंदी बोले क्या होगा, हम लोग मस्ती करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिटिव हो गया इंजॉय। आप कहते हैं कि घर के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर देंगे तो किसका धार था, ये वाला धार हो गया, और इसका धार पर कहते हैं रिफ्लेक्सिव वी के, वी का क्या होता है, वी इंजॉय आवर सेल्फ इन कहाँ, इन चुगले कहाँ, इन पार्टी, इन मैरिज पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी बोल रहे हैं, इन टीचर्स डे, मैरिज कौन पार्टी, मैं क्या कहते हैं खाना, इसलिए मास्क छोड़ के आ गया है कि नहीं, मास्क पहनो ना तो लगता है आग पका के सर, सर क्या करना, सेवा, हाँ सेवा करना, यू सुन सर, हिंदी बोलिए क्या हुआ, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं, हाँ हम लोग तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करना चाहिए, करना चाहिए। आप यहाँ पर एक भर्ब है, तो भर्ब पर रिफ्लेक्सिव, तो ये से क्या बनेगा, योर सेल्फ, यू शुड सर्व योर सेल्फ, तुम्हें सेल क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मम्मी पापा के, यू शुड सर्व योर सेल्फ, पेरेंट्स, मैं का पेरेंट्स, बुलाने का क्या इसी तरह से आगे बना लेंगे,
बनेगा क्या? नहीं बना पाएंगे? बन जाएगा सर। अब से जैसे बताइए आई पाँच अब से आई से बनाइए आई पाँच अब से माई सेल्फ इन पता है yes, कैसे बनेगा तुम लोग तुम लोग से yes, अभी बन जाएगा yes, कैसे बनता है सी का हर सेल्फ होता है ना देखिए सी पर ले ली सी हेल्प्स हर सेल्फ सी हेल्प्स सी हेल्प्स हर सेल्फ यानी वह स्वयं मदद करती है कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं है ना क्यों ला बताओ कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल आवर सेल्स इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन से होगा ना Make control ourselves in population. Make control ourselves in population. जो जहां से पढ़ना शुरू किए हैं वहां से अपना नोट कॉपी